देख रहे हैं किस तरह से तैयारी चल रही है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। मनोज जी मैम पहले बता रही ऋतु जी, मैं तो बहुत खुश हूँ इस फिल्म को, मतलब मैं जो इसका किरदार कर सकी मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोज जी बहुत काबिल डायरेक्टर हैं और मुझे लगता है कि खुदीराम बोस के ऊपर आधारित ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है इंडियन सिनेमा के लिए, क्योंकि उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका जो पेट्रियोटिक फीलिंग्स है, उनका जो मतलब देश के लिए जो इतना बड़ा सा योगदान और जो अपना जिंदगी दे के हमको समृद्ध किया, तो मुझे लगता है इसका जो झलक हमको मिलना चाहिए थे बहुत पहले वो हमको नहीं मिला। मतलब हिस्ट्री में इनका नाम तो नाम का तो जिक्र है, लेकिन उतना इनके लिए इनके बारे में इतना रिसर्च नहीं हुआ, इनके बारे में कुछ फिल्म नहीं बना, मतलब उस लेवल का कुछ डॉक्यूमेंटेड है लेकिन डॉक्यूमेंट्री शायद है, लेकिन हम लोग इतना फिल्म के जरिए इसको नहीं पाया। सो मुझे लगता है कि ये जो इनका अप्रोच है और हमारा धीरज जी है जो जिन्होंने कंसीव किया ये प्रोजेक्ट, हमारा जो प्रोड्यूसर है, हमारी जो पूरी टीम है जिन्होंने सोचा कि खुदीराम बोस को लेकर फिल्म बनाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा सोच है मुझे लगा। एक तो पहले ये है, दूसरी बात ये है कि हम लोगों का मतलब हमारी जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, इनको थोड़ा बूस्ट करने के लिए, इनको थोड़ा अच्छा मतलब मॉरल देने के लिए भी ये फिल्म बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग युवा में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत भटक जा रहे हैं और उसका जो चिंता है, उसका जो मतलब सोच है, इनकी जो मतलब बहुत इम्पेशेंट हो गया, बहुत मतलब इनटॉलरेंट हो गया, लेकिन इस फिल्म से, इस ये सब फिल्मों से इनको एक अच्छा मैसेज दिलाने के लिए भी इसका प्रयास है। मुझे लगता है हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि यूथ शुड ऑल्सो बी कॉन्शियस दैट एक मतलब कितना सैक्रिफाइस के ऊपर हम लोग खड़े हैं, मतलब हम लोग तो इसका एहसास हम लोग को है, हम लोग सब लोग को एहसास दिलाना है कि इनका कंट्रीब्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है आज की जिंदगी के लिए, हम लोग जो जी रहे हैं आज वो इनके फाउंडेशन के ऊपर। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और मैं जो किरदार निभा रही हूँ मैं खुदी का बड़ी बड़ी बहन का किरदार निभा रही हूँ, एंड दैट्स वन ऑफ द मेन फीमेल कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म, क्योंकि खुदी तो 18 साल में उसका देहांत हो गया था, सो ऐसे कुछ उनका रोमांटिक पोर्शन कुछ नहीं है, ये एक लेडी उनके जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है जो उनकी दीदी है, और मैं उसका किरदार निभा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मुझे आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि हमेशा ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलता है, हमेशा ऐसा किरदार नहीं मिलता है, हमेशा ऐसा सोच नहीं मिलता है कि ऐसा कुछ फिल्म बनाए। हमारी बहुत सारी फिल्मों के हमारी बहुत नया कंसेप्ट के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन ये जो है ये बहुत ही एक नॉट ओनली फॉर कैलकट बंगाल से खुदीराम बोस का ओरिजिनेशन, ही हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बंगाल, लेकिन ये होल इंडिया का एक एग्जाम्पल है, बिकॉज ही हैज गिवन हिज लाइफ फॉर इंडिया। तो इसीलिए अभी मनोज जी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए क्या है कि अभी तक हमने फिल्में देखी हैं, हमने जो सुना है, हमने हिस्ट्री पढ़ी है, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, गांधी जी, बाकी जो मतलब जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम लोगों ने सब हाईलाइटेड लोगों को देखा है। बिकॉज क्या हुआ, धीरज जी ने जब ये सब चुना, उन्होंने वो किया, कंसीव किया, तो हमने बोला यार कि हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं जो अनसंग हीरोज हैं, जिनको लोग जानते नहीं है, है ना। बाकी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये वो तो हमने दुनिया भर की फिल्में देखी, बट इसमें ऐसे बहुत अनसंग हीरोज हैं जिन्होंने इतना योगदान दिया हमारे देश की आजादी में, उनका जिक्र नहीं है। तो हमने ढूंढा, तो फिर धीरज जी ने, जो राइटर हैं धीरज मिश्रा जी, उन्होंने ढूंढा, फिर उन्होंने लाया खुदीराम बोस, एंड जब हम लोगों ने पढ़ा, जब इनके बारे में सुना, तो हम थ्रिल हो गए। फिर ऐसा लगा यार कि मतलब इतने हीरोज हैं जिनको हम जानते ही नहीं आज तक, खाली एक नाम आता है खुदीराम बोस, हमने, आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी होगी सबने, खाली एक नाम आता है खुदीराम बोस करके कोई था, फिर क्या है, कौन है। फिर जब हमने इनके डेप्थ में जाकर रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ाई की, उसका स्टडी किया, जब स्क्रिप्ट रेडी हुई तो वी आर मतलब क्या बोले, अभी जो स्क्रिप्ट पढ़ी तो इतना थ्रिल्ड हो गए। फिर उस पर कैरेक्टर्स पे काम शुरू हुआ, फिर ये लगा कि इसकी सिस्टर का रोल कौन करेगा, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट था। तो जब हम लोग पढ़ रहे थे तब से सिर्फ एक ही चेहरा नाम आया, चेहरा नाम ऋतु जी का नाम आया, तो वी थॉट कि चलो विल गो
विद रितु जी, उनसे बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छा भी लगा। अच्छा, हाँ, और ये किया तो हमारा एक है कि, और आजकल जो माहौल चल रहा है हमारा ये था कि एक देशभक्ति का, एक जो छोटे छोटे अनसंग हीरोज हैं, तो शायद अभी आगे आप शायद कुछ और फिल्में देखेंगे जिनको आप लोग बहुत डिटेल्स में नहीं जानते होंगे, जिनके बारे में, बट आपको लगेगा कि उन्होंने अपनी आजादी में इतना योगदान दिया, तो उस तरह का कुछ एक भावना था, उनको भी आगे लाना चाहिए। तो मतलब बेस्ट मीडिया इस तरह से करके फिर ये फिल्म है, मैं इतना कहूंगा ये बहुत बड़ी बजट की फिल्म नहीं है, बहुत बड़ी फिल्म नहीं है, बट इट्स वंडरफुल, इम्पोर्टेंट फिल्म, वंडरफुल फिल्म, सिनेमा के लिए इम्पोर्टेंट है, और आप जब देखेंगे आपको मजा आएगा, आपको एक हिस्ट्री जानने के लिए मिलेगा, और आपको लगेगा कि आपने एक वर्थ फिल्म देखी है, ठीक है। एंड ऑल द करेक्टर्स इंक्लूडिंग रितु जी, एवरीबॉडी हैड परफॉर्म वेल, और बड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन है, और मुझे लगता है एक आप लोग एक अच्छी पेट्रियोटिक फिल्म एंजॉय करेंगे। ये भी आपसे पूछा जाऊंगा कि क्योंकि फिल्म पेट्रियोटिक है और देश के शहीद पर फिल्म बन रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई फिल्म को लेकर रिसर्च के दौरान, या फिर और इसमें भी जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां से कुछ घटनाएं प्रॉब्लम हुई। हाँ, एक्चुअली अभी धीरज मिश्रा जी हैं नहीं यहाँ पे, नहीं तो वो ज्यादा अच्छा जवाब देते हैं, बट ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली इसके लिए इसका मोस्टली सारा से धीरज जी को ही जाता है, उन्होंने इसमें बहुत रिसर्च किया है, वो कलकत्ता भी गए, वहाँ भी मिले हैं, लोकेशंस चुन चुन के लाए हैं, तो मतलब आप ऐसा नहीं गए, मतलब ये खाली पेट्रियोटिक फिल्म बनानी है इसलिए नहीं बनाए हैं, आप फिल्म देखेंगे ना आपको लगेगा कि हर एक पहलू पे, हर एक लोकेशन से लेके कॉस्ट्यूम से लेके उस एरा का ध्यान रख के सब ऑथेंटिसिटी पे हमने ध्यान दिया है, ईच एंड एवरी पार्ट, और उनका पूरा उनके बारे में, जैसे खुदीराम, जैसे आप भगत सिंह पढ़ो तो उनके बारे में बुक है, चंद्रशेखर आजाद के बारे में पूरी बुक है, बट खुदीराम बोस के बारे में उतना डिटेल्स आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए काफी R&D हुआ है, काफी कुछ किया है, कहीं से इधर से लिया थोड़ा पार्ट्स, कहीं इधर से लिया, उनका ट्रांजिशन कैसे हुआ, कहाँ कहाँ मूवमेंट्स हुए, उन्होंने कैसे कैसे मूवमेंट्स किए, हाँ उसके बाद फिर इस तरह का बहुत सारा जो थोड़े थोड़े हमने उठाए अलग अलग पार्ट से, उसको कलेक्ट करके फिर बनाया है। फिर आपका क्या नजरिया है, हमारी जो यूथ है कितनी पेट्रियोटिक फिल्म्स में इंटरेस्ट जगाना है। एक्चुअली मुझे लगता है कि जितना जानते हैं तो वो ठीक है, लेकिन जितना नहीं जानते उसको जानने के लिए जो मीडियम का ज़रूरत है वो है फिल्म, और ज़्यादातर लोग अभी मतलब मूवी, इंटरनेट, यूट्यूब इसमें व्यस्त है, सो मुझे लगता है कि कोई मूविंग और मोबाइल कुछ इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन। आजकल बुक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लगभग सब नेट के जरिए सब कुछ ऐसे जान लेते हैं, लेकिन बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। हम लोग जब छोटे से बड़ा हुआ तो बुक पढ़ के हम लोगों का एक समय बीता, तो वो नॉलेज एक अलग तरीके से हम लोगों को मिलता था, अभी जो नॉलेज मिल रहा है तो वो बहुत ही मोबाइल नॉलेज है, तो मुझे लगता है कि फिल्म इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट, और मुझे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वी शुड ऑल नो, क्योंकि हिस्ट्री हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ये जो मतलब ये जो लड़का है, ही वॉज ओनली 18 व्हेन ही डाइड, इतना बड़ा सैक्रिफाइस देश के लिए किया, ये जानना बहुत जरूरी है यूथ को, ये जानने के बाद आई थिंक मे बी दे कैन हैव अ गुड रिपरकशन, दे कैन हैव अ चेंज इन देयर लाइफ, सो वो चेंज क्यों नहीं हम कोशिश करेंगे लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इम्पेशेंट है, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होता है कि इम्पेशेंस के जरिए क्या करेंगे, अभी इतना कुछ आ गया, इतना सारा ऑप्शंस है, क्या करेंगे, भटक रहे हैं बहुत सारे यूथ, तो उसको एक जगह करने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा कुछ दिखाना चाहिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक साइकोलॉजिकली ऑल्सो इम्पोर्टेंट है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, और हम लोगों का इतना भी कंसंट्रेशन देना पड़ता है एक मामले के लिए, सो ऑब्वियसली जितना कंसंट्रेशन खुदीराम बोस ने दिया था अपनी कंट्री के लिए, तो कोई भी युवा अगर अपने खुद अच्छा काम के लिए दे तो बहुत ही अच्छा होगा। खुदीराम बोस आप किधर है, वो जिन्होंने खुदीराम बोस है, यही है बकायदा है, बट अभी डबिंग करेंगे उनका भी नेक्स्ट सेशन, ग्रेट जॉब। और उसके अलावा इसमें खुदीराम बोस तो हैं, जैसे हमने बोला कि ये फिल्म जो है हम अनसंग हीरोज के लिए बना रहे हैं, तो इसमें खुदीराम बोस के अलावा प्रफुल्ल चाकी भी एक कैरेक्टर है, हाँ, जिसके देखिए आपको भी लग रहा है कि देखिए, तो मतलब इसमें एक प्रफुल्ल चाकी कैरेक्टर है, उन्होंने और खुदीराम बोस ने दोनों ने मिल के एक प्लान वो किया था, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने बाद में सुसाइड कर लिया और इनको फांसी हुई थी।
खुदीराम बोस को. तो इसमें एक दूसरा कैरेक्टर भी है प्रफुल जाकी, दे बोथ है परफॉर्म वेरी वेल. तो दोनों हैं, आपको एक नया चीज और नया उमंग देखने को मिलेगा. और आजकल जो यूथ का है, जैसा ऋतु जी ने भी कहा कि अभी खाली पढ़ के मोबाइल, उससे तो देशभक्ति जो आजकल चल रहा है, इंटॉलरेंस और ये सब, इसमें आपको मिलेगा कि नहीं उस समय की यूथ किस रेंज के हुआ करते थे. जब हम आज मोबाइल कैरियर देख रहे हैं, तब वो देश के बारे में सोचा करते थे. जो 18 साल की उम्र में, चाहे प्रफुल चाके चाहे इन लोग, फांसी पे चढ़ गए. फिल्म 2017, हाँ 2017 में, और मोस्टली शायद आप लोग समर में ही इंजॉय कर पाएंगे. हाँ, टारगेट वही है. थैंक यू.